राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 नागपुर भंडारा महामार्ग पर मौदा टी पॉइंट पर हुई दुर्घटना में मां और उसकी 3 माह की बच्ची की जान चली गई। कुही तहसील के ग्राम चिकना निवासी राजहंस वाघमारे अपनी मोटरसाइकिल पर अपनी पत्नी और बेटी के साथ परमात्मा आश्रम में दर्शन करने जा रहे थे, तभी नागपुर से भंडारा जा रहे कंटेनर ने मोटरसाइकिल को धड़क दी। इसमें उसकी पत्नी प्रांजल और 3 माह की बच्ची जगह पर ही मौत हो गई और राजहंस वाघमारे गंभीर रूप से घायल हुए। इसके पहले जगह पर कई बार दुर्घटना हुई है। इस जगह पर पुलिया बनाने की मांग कई दिनों से हो रही है, लेकिन प्रशासन इस मांग को अनदेखी कर रहा है। ऐसे आरोप नागरिकों द्वारा लगाए गए। इस जगह पर लगे सीसीटीवी कैमरे कई दिनों से बंद पड़े हैं। आखिर ये कैमरे बंद क्यों रखे जाते हैं? इस प्रकार का सवाल सामाजिक कार्यकर्ता राम प्रसाद पराते ने उठाया है। हाँ, अतिशय वर्दळीचा मार्ग असून या मार्गावर नेहमीच अपघात होत असतात। या मार्गाच्या बाजूलाच परमात्मा एक आश्रम आहे आणि या परमात्मा आश्रमामध्ये नेहमी भाविकांची ये जा असते, मोठ्या संख्येनं भाविक या ठिकाणी येत असतात आणि रोड क्रॉस करत असताना बरेचदा या ठिकाणी अपघात झालेले आहे। या ठिकाणी उड्डाणपूल व्हावा या दृष्टिकोनातून लोकांनी बरेच वर्षापासून प्रशासनाकडे मागणी केलेली आहे, परंतु प्रशासनाने या बाबीकडे सतत दुर्लक्षित केलेलं आहे आणि त्यामुळे आणखी या ठिकाणी किती अपघात होतील याची प्रशासन तर वाट पाहत नाही अशी शंका लोकांच्या मनामध्ये आली, लोकांच्या मनामध्ये येत आहे आणि या ठिकाणी लवकरात लवकर उड्डाणपूल होण्याच्या दृष्टिकोनातून शासनाने प्रयत्न करावा अशी येथील नागरिकांची मागणी आहे। बीसीएन न्यूज के लिए मौदा से संजय गिरडे।